तो चलिए व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट्स की चाट। तो इसके लिए मुझे चाहिए ये ग्रीन कलर के मूंग साबुत। ये मैंने 100 ग्राम मूंग ले लिए हैं, ये 4 लोगों के लिए सफिशिएंट होंगे। देखिए, सुबह के नाश्ते में हर किसी को भागा भागी होती है और हर कोई अपना नाश्ता अच्छे से नहीं कर पाता है, तो आज हम आपको स्प्राउट्स की चाट बनाना सिखाएंगे। तो ये मैंने एक कटोरी ले लिए हैं और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से धो करके और इसको पानी में भिगोने के लिए 7 से 8 घंटे रख दिया है। ये देखिए व्यूवर्स, ये 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। ये जो मैंने मूंग भिगोए थे ये भीग चुके हैं और अब हम इसका पानी निकाल के इसको मैं दिखाऊंगी और इसे 2-3 बारी वॉश करना है। ये देखिए व्यूवर्स, अब मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि इसे थोड़ा थोड़ा हमने पानी रखा है, मतलब बिल्कुल पानी निकाल दिया है, जस्ट ये थोड़े गीले ही हैं, बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम अपने माइक्रोवेव के पास जाएंगे। इसे मैंने ओपन कर लिया है और इस पतीले को इसके अंदर मैं रख दूंगी स्प्राउट्स करने के लिए और इसे सुबह तक ये मेरे स्प्राउट्स हो जाएंगे, या 7 से 8 घंटे में ये स्प्राउट्स हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो बीच में से खोल के देख सकते हैं और इस पर हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 से 8 घंटे के बाद हमारे स्प्राउट्स कैसे निकलेंगे। अब हमने जो है वो माइक्रोवेव को बंद कर दिया और स्प्राउट्स इसके अंदर रख दिए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये सुबह हमारे सारे स्प्राउट्स जो है वो हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसे हिलाकर भी दिखाऊंगी। ये सारे स्प्राउट्स निकल चुके हैं, हमें इसी तरह के स्प्राउट्स चाहिए होंगे। तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ के स्प्राउट्स को बना सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप चने के, मोट के और ये हरे मूंग के, साबुत मूंग के किसी के भी स्प्राउट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और मार्केट से भी अच्छे ये तैयार होते हैं और बहुत ही सस्ते भी पड़ते हैं हमें मार्केट से लेने से। स्प्राउट्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कि किस तरह से हम मूंग स्प्राउट्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाती रहूँ। धन्यवाद। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं आपको चाट बनाना सिखा रही हूँ। इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही। इसे गर्म पानी में छोड़ना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसके बाद हम इसमें प्याज, टमाटर और खीरा मिक्स करेंगे बॉयल करने के बाद। बॉयल हो चुका है व्यूअर्स, तो अब हम इसे छान लेंगे, पानी से अलग कर लेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट ही हमें इसे गर्म पानी में डालना है। कुछ इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। ये देखिए, इसको इस गर्म पानी में से स्ट्रेन कर लेंगे हम और इसकी चाट तैयार करेंगे। ये हमारे स्ट्रेन हो चुके हैं। चलिए व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें स्प्राउट्स की चाट कैसे बनानी है। सबसे पहले मैंने ये स्प्राउट्स ले लिए हैं, ये एक बड़ी कटोरी है स्प्राउट्स, और इसमें एक टमाटर कटा हुआ बारीक, एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटी हुई ककड़ी या जिसे हम खीरा कहते हैं, साथ में मैंने एक आलू बॉयल करके उसके पीसेस कर लिए हैं, और ये एक बड़ा चम्मच नींबू का रस है, और साथ में सिर्फ हमें सिंपल सॉल्ट और ये काले मिर्च पीसी हुई चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। प्याज को, टमाटर को और खीरे को, इन सभी चीज़ों को हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही हमने पोटैटो डाल देनी है। देन इसके बाद साथ ही 1/2 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, और 1/2 टीस्पून काले मिर्च, और साथ में नींबू का एक बड़ा चम्मच नींबू का जूस। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, एक स्पून की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देन ये नमक और जो काली मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आजकल जो है वो भागा भागी की लाइफ है, तो इसके लिए ये सुबह का ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने एक कटोरी ले ली है, एक पोर्शन मैं सर्व करके दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी चाट बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर
ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और उसके साथ आने वाले बेल आइकन के बटन को भी सब्सक्राइब बटन के साथ ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसे सर्व करने के लिए मैं इसके ऊपर धनिया और स्प्रिंकल करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये फाइनल लुक हो गया हमारी चाट का। बहुत ही स्पाइसी बनती है ये। आप इसमें अगर थोड़ी लाल मिर्च डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।